आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 10वां मैच लखनऊ सुपर जायंट और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जो कि बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ और इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम ने लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लखनऊ की टीम पहले गेंदबाजी करेगी। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ उसने पहले गेंदबाजी की ही थी, तब उसे हार का सामना करना पड़ा था। चलिए दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। अगर आप भी केएल राहुल और कुणाल पांड्या का फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। लखनऊ के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी शुरू हुई। अनुभवी मयंक अग्रवाल के साथ अनमोल प्रीत सिंह क्रीज पर है। लखनऊ के लिए गेंदबाजी की शुरुआत कैल मेट्स ने की। सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका मयंक अग्रवाल के रूप में लगा। वह कृणाल पांड्या की गेंद पर आउट हो गए। 7 गेंद पर 8 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस को कैच थमा दिया। सनराइजर्स ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 21 रन बना लिए। अनमोल प्रीत सिंह और राहुल त्रिपाठी क्रीज पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 43 रन बना लिए। अनमोल प्रीत सिंह 21 गेंदों में 27 और राहुल त्रिपाठी 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद है। सनराइजर्स हैदराबाद कृणाल पांड्या ने 8वें ओवर में लगातार 2 झटके दिए। उन्होंने 5वीं गेंद पर अनमोल प्रीत सिंह को LBW किया। अनमोल प्रीत सिंह 26 गेंदों में 31 रन बनाए, आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके 1 छक्का लगाया। उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सनराइजर्स के कप्तान एडम मार्करम खाता खोले बगैर आउट हो गए। उन्होंने पहली गेंद पर कुणाल का शिकार बने। कुणाल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। सनराइजर्स ने 8 ओवर में 3 विकेट पर 50 रन बना लिए। राहुल त्रिपाठी के साथ हैरी ब्रूक क्रीज पर है। कुणाल पांड्या ने 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया दोस्तों, और इसमें कहर बरपाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद का टीम को ढेर कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद को चौथा झटका लगा। रवि बिश्नोई ने दिया। उन्होंने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक को आउट कर दिया। ब्रूक विकेट कीपर निकोलस पुरन के स्टंप कर दिया। वह 4 गेंद पर 3 रन ही बना सके। सनराइजर्स का 9 ओवर में 4 विकेट पर 55 रन बनना है। सनराइजर्स हैदराबाद 14 ओवर में 4 विकेट पर 76 रन बना लिए। राहुल त्रिपाठी 29 गेंदों में 23 और वाशिंगटन सुंदर 17 गेंदों में 9 रन बना लिए हैं। दोनों ने 5 विकेट के लिए 21 रनों की साझेदारी कर ली है। सनराइजर्स हैदराबाद को 5वां झटका लगा। यश ठाकुर ने दिया। उन्होंने राहुल त्रिपाठी को आउट दिया। त्रिपाठी ने 41 गेंद में 35 रन बनाए। उन्होंने पारी में 4 चौके लगाए। लखनऊ सुपर जायंट को सनराइजर्स हैदराबाद ने आसान लक्ष्य दिया है। हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन बनाया। लखनऊ को 122 रन का लक्ष्य दिया। उसके लिए राहुल त्रिपाठी ने 41 गेंद पर सर्वाधिक 35 रन बनाया। अनमोल प्रीत सिंह ने 26 गेंद पर 31 रन बनाया। अब्दुल समद ने 10 गेंदों में 21 रन बनाकर नवाज ने वाशिंगटन सुंदर ने 28 गेंद पर 16 रन बनाए। पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करने वाले एडम मार्करम खाता भी नहीं खोल सके। मयंक अग्रवाल 8, हैरी ब्रूक 3 और आदिल रशीद 4 रन बनाकर आउट हुए। उमरान मलिक खाता खोले बिना रन आउट हो गए। लखनऊ के स्पिनर कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 8 में से 6 विकेट अपने नाम किए। इनमें से कृणाल पांड्या को 3 और अमित मिश्रा को 2 सफलता मिली। रवि बिश्नोई 1 विकेट अपने नाम किए। तेज गेंदबाज यश ठाकुर को 1 सफलता मिली। और आपको बता दें दोस्तों कि अमित मिश्रा की जगह आयुष बदोनी को टीम में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया गया, जो कि एक बेहतर साइन है। 122 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट ने पहले ही ओवर में 13 रन बनाए। कायल मेयर्स और कप्तान राहुल की सलामी जोड़ी क्रीज पर है। दोनों के अच्छी लय में दिख रहे हैं और दोनों मुश्किलें पिच पर बड़ी साझेदारी कर अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाना चाहेंगे। 2 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी नुकसान 24 रन है। सनराइजर्स हैदराबाद को पहली सफलता फजल हक फारूकी ने दिलाई। उन्होंने 5 ओवर की 3री गेंद पर खतरनाक कायल मेयर्स को आउट कर दिया। मेयर्स 14 गेंदों में 13 रन बनाकर मयंक अग्रवाल को कैच थमा बैठे। केएल राहुल और दीपक हुड्डा क्रीज पर हैं। भुवनेश्वर कुमार ने सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक हुड्डा को आउट किया। दीपक ने भुवनेश्वर की इसी ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया था। इस अनुभवी गेंदबाज ने बदला लेते हुए दीपक को आउट कर दिया। दीपक ने 8 गेंद पर 7 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 45 रन बना लिए। के राहुल के साथ कृणाल पांड्या क्रीज पर है। लखनऊ सुपर जायंट की टीम की जीत की ओर बढ़ गई है। उसने 9 ओवर में 2 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। कप्तान के राहुल 22 गेंदों में 30 और कृणाल पांड्या ने 10 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद है। लखनऊ को जीत के लिए 66 गेंदों में 50 रन चाहिए। लखनऊ सुपर जायंट को तीसरा झटका उमरान मलिक ने दिया। उन्होंने कृणाल पांड्या को 13वें ओवर की 2री गेंद पर विकेट कीपर अनमोल प्रीत सिंह के हाथों कैच कराया। कुणाल ने 23 गेंदों पर 34 रनों की शानदार पारी खेली। इससे पहले उसने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके, जो कि 15 डॉट बॉल भी उसमें शामिल था।
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका निर्णय गलत साबित हुआ। हैदराबाद को चौथे विकेट के रूप में केएल राहुल का विकेट मिला, जो कि लखनऊ सुपर जायंट का कप्तान है। और लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान केएल राहुल 35 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आए सैफर्ड, भी सैफर्ड नहीं चले और बिना किसी रन के खाता खोले बिना आउट हो गए। दोस्तों आपको बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका निर्णय गलत साबित हुआ। हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन बना सकी। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। लास्ट ओवर में निकोलस पुरन ने छक्का मारकर यह मैच जीता है। लखनऊ के लिए मैच का समापन निकोलस पुरन ने छक्के के साथ किया। उन्होंने 16 ओवर के आखिरी गेंद पर नटराजन को छक्का मारा। वह 6 गेंद पर 11 रन बनाकर नवाज रहे। मार्कस एस्टोनिस 13 गेंदों पर 10 रन बनाए। हैदराबाद के लिए आदिल रशीद ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार, फजल फारूकी और उमरान मलिक को एक एक सफलता मिली। दोस्तों आपको बता दें कि आदिल रशीद ने केएल राहुल को आउट किया और अगले ही गेंद पर वो टीम सैफर्ड को आउट कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय। और एक बात और बता दें दोस्तों कि पॉइंट टेबल में भी लखनऊ सुपर जायंट को फायदा हुआ है और वो टॉप पे अब बना हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट इस जीत के साथ ही नंबर 1 टीम बन गया है तो IPL 2023 का। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।